ऊपर ही उठ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन हम खेलते थे तो हम हैदराबाद से खेलते थे, बट हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश कहलाया जाता था, बट लेकिन अब जो तेलंगाना स्टेट अलग हुआ है तो हम जो भी गलत चीज़ करते हैं कोई भी फेडरेशन, या क्रिकेट हो या हॉकी हो फुटबॉल हो, वो डायरेक्टली हमारे स्टेट का नाम खराब होता है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे स्टेट का नाम खराब हो, क्योंकि इतने दिन के बाद और इतने देर के बाद इतना अच्छा हमको स्टेट मिला है, तो हम उसको नाम प्रोटेक्ट करना चाहिए और एसोसिएशन में अच्छे अच्छे काम होने चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जहाँ तक कि मैं सुनता हूँ वहाँ पे एक एक टीम अंडर 19 हो या अंडर 14 हो, तीन तीन चार चार टीमें सेलेक्ट होती है, कैसे आप टैलेंट आगे बढ़ेगा, कैसे आप टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ है वो अभी खत्म, उसके हम तो उसके बारे में कुछ नहीं, मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्रिकेट को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं सब सेक्रेटरी जितने भी लोग उनसे अपील करता हूँ कि वो सपोर्ट करें कि मैं आगे क्रिकेट को आगे ले जाऊँ, उनका हर आदमी का मुझे सपोर्ट चाहिए, और हम मेरा भी ख्याल यही है कि क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, बट लेकिन सेक्रेटरीज का भी मैं समझता हूँ कि यही ख्याल होगा कि क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। तो देखिए हम जब क्रिकेट को आगे बढ़ाते हैं, जब क्रिकेट अच्छा होता है, हैदराबाद टीम जीतती है, तो हम सबका नाम बढ़ता है, तो हम चाहेंगे कि पूरा हर लोग हमारे साथ रहें। और मैं अब नेशनल क्रिकेट क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इसमें मेरा नॉमिनेशन हुआ, और वॉल्टर्स भाई, फहीम, विनोद और चिन्नू अन्ना और जितने मेरा बेटा और जितने भी प्रताप है, जो मेरे लिए बहुत बहुत लोग ने सपोर्ट किया, लोग ने मुझे काफ़ी हर थोड़ी देर को फ़ोन करते थे कि अदरवाइज आपको लड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे हूँ, बट सबका सपोर्ट चाहता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज के नॉमिनेशन से, बट इंशाल्लाह आगे अब देखेंगे और क्या होता है। दिन का इश्यू में हमारे को क्या लेना है? नहीं, जो फाइल की है इतना बताएं कि उनका मेंबरशिप था या नहीं है, क्या नहीं, वी आर नॉट कॉम्पिटेंट पर्संस टू टॉक अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी और फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर, वट एवर आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फोर्स एंड वट एवर ऑर्डर्स आर देयर, इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर।
but as I have as I understand that on the day for which submission of photographs for those who are attending the general body is concerned, हमारे पास प्रोसीजर व्हाट प्रोसीजर वी हैव इज दैट द पर्संस हु आर जनरली गोइंग टू अटेंड द जनरल बॉडी और द इलेक्शंस दे आर इश्यूड आईडी कार्ड्स सो इन दिस पर्टिकुलर केस नो सच आईडी कार्ड अपीयर्स टू हैव बीन इश्यूड because there was no application for an ID card from his side. So now it is left to the returning officer and the election officer who are appointed to go through the records and just come with a reply on that. So as far as elections are concerned, we have got a court order. We got the court order from the district court and the process of election is in progress now. Today being the last day, 2 o'clock for receipt of nominations. Tomorrow the scrutiny will take place, I suppose, and on 12th, I think the valid voters list will be put. The elections are scheduled on 17th. So another aspect is that as we have been repeatedly claiming that after the pronouncement of judgment of July 18th, this committee, whose term expired in May, deliberately trying to prolong on some flimsy excuse or the other, and they have also